हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में 16 जुलाई को वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर गाइज बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन वगैरह में काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं। वैसे स्पेसिफिकेशन में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन के क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, स्मार्टफोन की इंडिया पे आपको प्राइस क्या देखने को मिलेगी, इस पर बात करने वाले हैं। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऑफकोर्स गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो गाइस OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन का डिजाइन आप लोग पहले स्क्रीन पर देखो, काफी यूनिक डिजाइन यहां पर देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन में गाइस आपको बिल्ड क्वालिटी मेटल की देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन में फ्रेम तो डेफिनेटली मेटल का दिया गया है, लेकिन बैक साइड पर भी आपको मेटल बैक देखने को मिलेगी। और हाफ यहां पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली काफी यूनिक डिजाइन है और स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी भी आपको इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। कि यहां पर प्रॉपर IP65 रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। और यह स्मार्टफोन गाइज आपको अलर्ट स्लाइडर के साथ देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइज यह स्मार्टफोन 6.74 इंचेस का 1.5 का रेजोल्यूशन वाला फ्लैट ओलेड पैनल कैरी करने वाला है। ऑफ कोर्स यहां पर आपको बेजल और चिन का साइज ना के बराबर देखने को मिल जाएगा। और इसमें 10-bit कलर्स HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको कॉन्टेंट वॉचिंग के टाइम डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। इसमें कलर्स वगैरह काफी बूस्टेड होने वाले हैं। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया जाएगा। ऑफ कोर्स LTPO स्क्रीन नहीं है, बट यहां पर फ्रेंड्स आपको स्मूथनेस काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बाकी स्मार्टफोन में 2150 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हाई ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 1100 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस में आपको OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन से OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन पे एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन में इस बार Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 1.4 मिलियन से भी ऊपर चले जाते हैं। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको क्रेजी देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन में आपको LPDDR5X रैम और UFS 4.0 लेटेस्ट हार्डवेयर भी देखने को मिलेगा। सो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली परफेक्ट होने वाला है। इसमें आई गेस आपको BGMI के अंदर 90 FPS पर ग्राफिक सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। और यह स्मार्टफोन में आपको टॉप वेरिएंट के अंदर 16GB रैम, 512GB स्टोरेज भी मिलेगी। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर आएगा और इसमें आपको OxygenOS 14.1 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि डेफिनेटली काफी स्मूथ UI रहती है। और इसमें आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट्स भी दिए जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर वाइज भी ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया होने वाला है। कैमरा के बारे में बात करें तो यहां पर गाइस आपको स्लाइड डाउनग्रेड इस बार देखने को मिलेगा। OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन में इस बार 50 MP सोनी IMX882 मेन सेंसर दिया गया है, जो कि OIS के साथ आता है। तो कैमरा क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। बाकी 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है। और आप स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक मैक्स वीडियो शूट भी कर पाओगे। लेकिन फ्रंट पे बात करें तो यहां पर अगेन 16 MP का टिपिकल सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा आता है। और यहां पर गाइस आपको Full HD 30 FPS तक की मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। बाकी दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट में आपको एक ह्यूज अपग्रेड इस बार देखने को मिलने वाला है। OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन में इस बार 5500 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली गाइस आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर आप हेवी यूजर्स भी करते हो तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 100 वोट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। ऑफ कोर्स यहां पर USB 2.0 टाइप सी पोर्ट मिलेगा, लेकिन इस स्मार्टफोन को आप 25 टू 30 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर पाओगे। बाकी अदर डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे विद डॉल्बी एटमोस। तो साउंड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और इसमें गाइस आईआर ब्लास्टर एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दी गई है, जो कि ओ हैप्टिक्स के साथ देखने को मिलेगी। तो हैप्टिक एक्सपीरियंस भी इसमें आपको सॉलिड मिलने वाला है। बाकी NFC वाइडबैंड L1 का सपोर्ट आता है। नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल गाइस फीचर्स स्मार्टफोन में काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाते हैं। वैसे प्राइसिंग भी काफी ज्यादा मैटर करने वाली है। और OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन गाइस इंडियन मार्केट में आपको 8 256 GB बेस वेरियंट के साथ देखने को मिल सकता है। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो ये आपको इंडियन मार्केट में 32,999 या फिर 33,999 रुपीज का देखने को मिलेगा। एंड ऑफकोर्स इस पे बैंक ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो इसकी प्राइस आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों सेम प्राइस रेंज के अंदर रियलमी भी काफी जल्द इंडियन मार्केट में रियलमी 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। और उसमें भी आपको कैमरा सेटअप इनसेन लेवल पे देखने को मिलेगा। सो दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन वीडियो भी काफी जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।